हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे हजार्ड फ्लैशर, और ये काफ़ी सस्ता हजार्ड फ्लैशर है। आपको इसके लिए हज़ारों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ये कुछ 400-500 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आता है। और गाइस, हजार्ड फ्लैशर काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप जो है रोड पर बाइक को चला रहे हो और कहीं फोग बह रहे हो, तब भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको जो है अंधेरे में कहीं अपनी बाइक को खड़ी करते हो, तब भी अगर उसके जो हजार्ड है, मतलब उसके इंडिकेटर्स है, चारों चल रहे होंगे, तो कोई भी आपकी बाइक को देख के जो है समझ आएगा कि यहाँ पर कोई जो है ऐसे व्हीकल वगैरह खड़ा है, तो वहाँ पर जो है इसको विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बाइक जो सेफ हो जाएगी। तो इस टाइप से आता है। टोटल इसकी चार वायर्स हैं, दो येलो कलर की वायर है, एक ब्लैक है और एक रेड है। इसका मैं आपको कनेक्शन करना बताता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको लगाने के लिए आपको एक स्विच की जरूरत पड़ेगी। ये मेरे पास एक हजार स्विच है, तो इसका मैं यूज़ करूंगा। आप यहाँ पर नॉर्मल स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका वाइजर को खोलता हूँ जल्दी से। 10 नंबर के दोनों साइड जो है यहाँ पर नट लगे रहते हैं, उनको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों जो येलो वायर्स हैं, ये जाएगी आपके इंडिकेटर के जो पॉजिटिव पॉइंट में, एक एक जो है दोनों इंडिकेटर की साइड में चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये नेगेटिव की है, तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना। इसको छोड़ के यहाँ पर आपको दो वायर दिखाई दे रही है, ये एक लेफ्ट वाले की है, एक राइट वाले की। तो ये दोनों येलो वायर आपको जो है 1x1 इनमें लगा देनी है। कोई सी भी आप यहाँ लगा सकते हो, मतलब ये लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है कि कोई येलो वायर यहाँ पर लगानी है। दो येलो वायर है, दोनों आप कहीं पर भी लगा सकते हो इनमें। तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, दिखाई दे रही है, ये एक लेफ्ट वाले की है, एक राइट वाले की। तो ये दोनों येलो वायर आपको जो है 1x1 इनमें लगा देनी है। कोई सी भी आप यहाँ लगा सकते हो, मतलब ये लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है कि कोई येलो वायर यहाँ पर लगानी है। दो येलो वायर है, दोनों आप कहीं पर भी लगा सकते हो इनमें। तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो फिर दोनों येलो वायर को मैंने लगा दिया हुआ है। अभी यहाँ पर एक रेड है, तो एक रेड वायर यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ, और इसका जो कनेक्शन है मैं रेड वायर से करूँगा। तो ऐसे कपलर को ऐसे मैं खोलता हूँ और इसकी रेड वायर में इस वायर को इंसर्ट करता हूँ और वापस ऐसे कपलर को बंद कर देता हूँ। तो वैसे के साथ ही हमारा जो सभी कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये साउंड करने लगा है, मतलब ये डायरेक्ट अभी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा हजार्ड फ्लैशर अभी ऑन है, क्योंकि बटन जो है ऑलरेडी ऑन था। तो अभी इसको बाद में टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से कनेक्शन बता देता हूँ इसके। तो वे इसकी टोटल चार वायर थी, दो जो येलो कलर की वायर थी वो हमने जो है 1x1 इंडिकेटर के साथ लगा दी। तीसरी वायर गैस की जो है ब्लैक कलर की थी, तो ब्लैक कलर की वायर भी यहाँ पर मैंने नेगेटिव के साथ लगा दी है ग्रीन वायर के साथ। आप चाहे तो इसको जो है बॉडी के साथ अर्थ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो रेड वायर थी वो हमने एक बटन से पास करवा ली। तो आप देख सकते हैं ये रेड वायर है, ये बटन से पास हो गई है। मतलब बटन के दो पॉइंट होते हैं, एक को मैंने रेड वायर